हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आज हम ये सीखेंगे जो कि फोर्थ पिलर होता है, फोर्थ नंबर का पिलर होता है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इससे पहले हमने थ्री पिलर से डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें से हमारा क्या था, अब्स्ट्रैक्शन था, इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस। ये हमारा क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी डिफिनीशन और एग्जाम्पल्स दोनों पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है। इससे पहले जो हमने थ्री पिलर से पढ़े थे, इन सभी की डिफिनीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। इट मीन्स वन नेम मैनी फॉर्म्स। जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसका क्या मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है यहाँ पर मैनी। अगर हम यहाँ पर सिंपली सा पॉली का मतलब समझते हैं तो इसका मतलब हो जाता है मैनी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो मॉर्फिज्म है, यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो यहाँ पर मॉर्फिज्म जो है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर्म्स। यानी पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। अगर इन दोनों को एक साथ ऐड करते हैं तो इसका क्या अर्थ निकलता है, मैनी फॉर्म्स। अब ये क्या होता है, इट मीन्स वन नेम मैनी फॉर्म्स, यानी कोई एक नेम है लेकिन उसके फॉर्म्स क्या है, अलग अलग है। अब ये किस प्रकार से अलग अलग है, इसको अभी हम थोड़ी देर में समझ रहे होंगे। मैनी फॉर्म्स, सो वी कैन से दैट इन दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग सेम फंक्शन इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन। इस प्रकार की जो आपकी प्रोग्रामिंग होती है, इसमें क्या होता है, सेम फंक्शन, एक सिंगल फंक्शन ही क्या करता है, इसका एक सिंगल फंक्शन का यूज करके हम बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं, इसको हम समझते हैं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगर यहाँ पर हम देखें पॉलीमॉर्फिज्म में जो यहाँ पर कहा गया है, इट मीन्स वन नेम बट मैनी फॉर्म्स, यानी कि नेम एक ही होगा लेकिन उसके फॉर्म्स कितने हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर एग्जाम्पल से हम समझें, एक पर्सन है, उसके क्या हो सकते हैं, वेरियस रोल्स हो सकते हैं लाइफ के अंदर। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पर्सन है, तो यहाँ पर एक पर्सन जो है, ये कोई एक सिंगल क्या होगा, पर्सन होगा। यहाँ पर जो पर्सन है, इसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, रोल्स हो सकते हैं लाइफ के अंदर। जैसे इसका एक रोल है फादर का, यहाँ पर अगर हम समझें तो ये फादर का भी रोल निभा रहा है, और यहाँ पर एक टीचर है तो टीचर का भी रोल निभा रहे हैं। उसके बाद अगर ये एक सन है तो सन का भी रोल निभा रहे हैं, और एक क्या हो सकते हैं, यहाँ से और भी ले सकते हैं, फ्रेंड, किसी ना किसी के फ्रेंड भी हो सकते हैं, और कंपनी के अंदर कहीं पर भी अगर काम कर रहे हैं तो एज अ एम्प्लॉय या फिर बॉस हो सकते हैं किसी ना किसी के। इस प्रकार से हस्बैंड भी हो सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो पर्सन है वो एक सिंगल यहाँ पर पर्सन है, लेकिन उसके बिहेवियर्स हर जगह अलग अलग हैं। अगर आप बिहेवियर की बात करेंगे तो सन है तो यहाँ पर बेटे जैसा बिहेव करेंगे, फ्रेंड है तो फ्रेंड जैसा बिहेव करेंगे, टीचर है तो टीचर के जैसा, फादर है तो फादर के जैसा, बॉस है तो बॉस के जैसा क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। हर जगह क्या हो जाएगा, बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अब फादर है तो फादर के साथ कैसा बिहेव करना है, उसका बिहेवियर क्या होता है, वो उस पर डिपेंड करेगा। फ्रेंड के साथ कैसे बिहेव करते हैं, यहाँ पर पर्सन सेम रहेगा, यानी एक सिंगल पर्सन ही रहेगा, लेकिन उनके बिहेवियर हर जगह क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। इसी प्रकार से कोई अनदर एग्जाम्पल अगर हम लें, तो मान लीजिए अगर यहाँ पर वुमेन का एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं, तो उसके भी कई सारे रोल हो सकते हैं। वुमेन अगर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर इसका रोल हो सकता है कहीं ना कहीं मदर का, और क्या हो सकता है, सिस्टर का हो सकता है। इसी प्रकार से और किसका हो सकता है, वाइफ का हो सकता है। इसी प्रकार से और भी ले सकते हैं, फ्रेंड का भी हो सकता है, या फिर अदर भी कुछ ना कुछ क्या हो सकते हैं, इनके यहाँ पर बिहेवियर हो सकते हैं। अलग अलग जगह इनकी लाइफ में क्या होते हैं, बहुत सारे रोल होते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। और भी सिंपल एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो आप अपने मोबाइल फोन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मोबाइल फोन क्या होती है, एक सिंगल डिवाइस होती है। अगर आप मोबाइल की बात करते हैं, तो मोबाइल क्या होता है, एक सिंगल डिवाइस होती है, एक ही मोबाइल होता है, लेकिन उसके जो काम होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे काम को करता है, हर जगह हर काम क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे क्या हो सकता है, मोबाइल में आप क्या कर सकते हैं, कैमरे का भी रोल प्ले करता है जो हमारा फोन होता है, और रेडियो का भी ये क्या करता है, रोल प्ले करता है। तो इस प्रकार से क्या हो सकते हैं, इसके कितने ऑफर्स हो सकते हैं, वेरियस टाइप्स के ऑफर्स हो सकते हैं जो हमारा मोबाइल फोन होता है। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के। ये था हमारा टॉपिक जिसमें आज हमने सीखा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या कहा गया था, यहाँ पर अगर आप देखें
दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग सेम फंक्शन इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन। इस प्रकार के प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक सेम फंक्शन क्या कर सकता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। वो किस प्रकार से परफॉर्म कर सकता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा, मान लीजिए मुझे जो void यहाँ पर लेते हैं, रिटर्न टाइप लेंगे, हम फंक्शन बनाते हैं एक पर्सन नेम का। यहाँ से हमने क्या बना लिया, एक पर्सन नेम का फंक्शन बना लिया। अब ये जो पर्सन नेम का फंक्शन है, ये फंक्शन नेम सेम रहेगा लेकिन जो इसके ऑपरेशंस होंगे वो चेंज होते जाएंगे। कहीं पर क्या हो जाएगा, बॉस का रोल होगा। इसी प्रकार से सेम अगर आपको क्या एक्सेस करना है, इसका अदर बिहेवियर चाहिए आपको, तो वहां पर क्या ले सकते हैं, आप फादर ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो फंक्शन नेम हमारा एक ही है लेकिन उसके जो परफॉर्म हो रहा है, यानी इसका यूज हो रहा है, इसके जो काइंड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर पर्सन लेते हैं तो सेकंड क्या ले सकते हैं, सन ले सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एक सेम जो सेम फंक्शन होता है उसका यूज अलग अलग क्या होता है, अलग अलग जगह पे किया जाता है, यानी अलग अलग काम को करने के लिए किया जा सकता है। ये क्या होता है, हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, एक सिंपल एक सेम फंक्शन से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि था पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, प्रोग्राम के साथ समझेंगे। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर।